टीवी इंडस्ट्री से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। जाने माने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भटनागर अब इस दुनिया में नहीं रही। पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का 34 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि दिव्या कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गोरेगांव के SRV हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। खबरें हैं कि उन्हें पहले निमोनिया हुआ था। दिव्या की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वेंटिलेटर पर कई दिन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही दिव्या ने अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया है। वहीं दिव्या के भाई देवाशीष भटनागर ने दैनिक भास्कर से बातचीत में इस बात को कंफर्म किया। देवाशीष ने बताया, कुछ दिन पहले हमने दीदी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, हालांकि उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था। आज सुबह 3 बजे कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि दिव्या को 26 नवंबर को मुंबई के SRV हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। हालांकि तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 7 हिल्स में शिफ्ट कर दिया गया था। दिव्या पिछले कुछ महीनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई तकलीफें भी चल रही थी। दिव्या के भाई देवाशीष की माने तो दिव्या का पति गगन सिंह सही व्यक्ति नहीं है और उनकी वजह से पहले दिव्या की हालत खराब हुई। आपको बता दें कि दिव्या की मौत की खबर से उनके परिवार वालों समेत टीवी के कई सेलेब्स भी सदमे में हैं और दिव्या के प्रति अपनी संवेदना अपने पोस्ट के जरिए शेयर कर रहे हैं। टीवी की गोपी बहू यानी कि देवोलीना भट्टाचार्य ने दिव्या के निधन से काफी इमोशनल नजर आई। देवो ने एक लंबा पोस्ट शेयर कर लिखा, जब कोई किसी के साथ नहीं होता था तो बस तू ही होती थी दिव्यू। तू ही तो मेरी अपनी थी, जिसे मैं डांट सकती थी, रूट सकती थी, दिल की बात कह सकती थी। मैं जानती हूँ कि जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं थी, दर्द बहुत ही असहनीय होता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज तुम बेहतर स्थान पर होंगी, अपने सभी दर्द दुख झूठ सबसे आजाद होंगी। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी दिव्यू। तू भी जानती थी कि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चिंता करती हूँ। बड़ी तू थी पर बच्ची भी तू ही थी। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जहाँ भी है तू अभी बस खुश रह, तुम बस याद आओगी। आपको बता दें कि दिव्या ये रिश्ता के अलावा टीवी के कई पॉपुलर शोज का हिस्सा भी रह चुकी हैं। दिव्या उड़ान, विश जीत गई तो पिया मोरे जैसे कई शोज में काम कर चुकी हैं। दिव्या टैलेंट से भरी थी और एक बेहतरीन अदाकारा भी थी, जिनके जाने से टीवी इंडस्ट्री ने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। क्रेजी फॉर टीवी की तरफ से भी दिव्या को भावभीनी श्रद्धांजलि।